आपके पास ऐसे केस आते हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड प्रेत बाधा भूतों से रिलेटेड हो मेरे मालिक इतने आते हैं इतने आते हैं कोई अंत नहीं कई तो सारे जो हमारे पंडित जी हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने बोला कि इंडियन वर्ड्स भी बहुत पावरफुल होते हैं तो ये इटालियन वर्ड्स क्यों कॉनवेल엑सा 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 और नोटी नोट ही नोट नोटी नोट ही नोट नोट ही उड़ाया हाँ। कही कही मींस भी भी बने। प्रोसो प्यारे मैं बोलिए क्लाइंट ना आए तो मुझे पकड़ लेना आके ये मेरी गारंटी है छाती टोक के क्यूँकी आपके ये तो बहुत वायरल हुआ था बंदो ने यूज भी करा होगा आपको लग रहा है आप कहीं फंसने वाले हो लाइक पुलिस केस या फिर ऐसा कुछ जो भी मैं कह रहा हूँ आपसे साक्षात प्रभु चमत्कार है जिनके डिवोर्स केस चल रहे हैं मर्डर केस चल रहे हैं तुरंत तुरंत देव दुरंत देव बोला उन्होंने दो तीन महीने जज उनके साथ वकील उनके साथ वाले पे आप बता रहे थे कि कुछ ऐसी कुंडली होती है जिनके साथ कुछ गलत ही दोस्त बनेंगे वो वो क्या क्या है वो मैं आपको आज बताऊं आप रोज एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालना शुरू करो घर में जमाई बर्फ बर्फ जमा के डाली शिवलिंग पे खुद कहोगे भाई साहब मुझे नहीं चाहिए पैसा कैसे हो सारे स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में आज हमारे साथ है संजीव सर साक्षी वैसे तो जरूरत नहीं है आपको इंट्रोड्यूस करने की क्योंकि आपका जो एक्सा है जी जी वो हर किसी ने ट्राई भी किया और हर किसी ने सुना भी है जी, जी 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 मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका अवश्य ही और अवश्य ही पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा so कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया बिल्कुल सर और हमें मौका दिया इसी बहाने मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुज़ुर्गों को कुछ नया आज जानने को मिलेगा बिल्कुल तो आप जरिया बन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच अब कॉर्नवेल एक्सा hmm. कॉर्नवेल एक्सा जो एक स्विचवर्ड है पहले हम अपने क्लाइंट्स को देते थे सिर्फ तो हमें लगा कि कई लोग बेचारे पैसे नहीं कर सकते कई लोग बेचारे हमसे नहीं मिल सकते हैं वो घर बैठे ऐसा क्या करें ऐसे क्या चीज फ्री में घर में बैठे बैठे बोल के फायदा कैसे कमा सकते हैं परेशान भी तो कई है ना नहीं ले सकते अपॉइंटमेंट सही बात है तो हमने क्या किया हमने कहा भैया घर में बैठो और क्या करो कौन वेक्सा कौन वेक्सा कौन वेक्सा कौन वेक्सा और नोटी नोट ही नोट नोट ही नोट नोट ही नोट लेकिन बहुत में तो ही ना। बिल्कुल मेरे मालिक कईयों ने खूब मजाक भी उड़ाया और कई कई मीन्स भी बनाए हाँ। भी बनाए कोई बात नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग जानते हैं कि उनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ मुझे उनसे मतलब है चलो

कि ओरिजिन क्या है इनका वर्ड्स का लेकिन कई सारे आ, मैंने देख रहा था रील्स में तो कई सारे जो हमारे मतलब कह सकते पंडित जी हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने बोला कि इंडियन वर्ड्स भी बहुत पावरफुल होते हैं तो ये इटालियन वर्ड्स क्यों मेरे मालिक हमने इंडियन सूच वर्ड्स भी दिए सूच वर्ड बोल दो मंत्र बोल दो हुँ. अब देखिए आप कौनवल एक्सा पैसे के लिए प्रोसो प्यारे बोलिए मैं कहता हूँ प्रोसो प्यारे बोलिए क्लाइंट ना आए तो मुझे पकड़ लेना आके ये मेरी गारंटी है छाती ठोक के दुरंत देव अभी मैं पॉडकास्ट करने से पहले दुरंत देव बोल के बैठा हूँ मेरे मालिक जो भी आप कर रहे थे हाँ जी okay. पॉडकास्ट से पहले मैं कॉन पैसे के लिए <laughs> और प्रोसो प्यारे आप लोग देखेंगे आएंगे जरूर फिर मेरे पास मतलब बिजनेस प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे फॉर द क्लाइंट्स क्लाइंट आएंगे तभी तो काम आएगा बिल्कुल सही बात है आप आप मैं अ, अ, मेरे पास क्लाइंट ही नहीं तो फिर है ना कुछ भी नहीं है दुरंत देव हिंदी का वर्ड है सर मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देव मतलब दुरंत देव जो है वो हर किसी को रक्षा करने के लिए देवता बनाई गए ओके दुरंत देव बोलने वाला कहीं नहीं फंस सकता चलिए आप अजमा के देख लीजिएगा दुरंत देव। आपको लग रहा है आप कहीं फंसने वाले हो कहीं प्रॉब्लम होने वाली है आपको एकदम से लाइक like आप... पुलिस केस या फिर ऐसा कुछ कुछ भी मैं कह रहा हूं आपसे आप हैरान हो जाएंगे साक्षात प्रभु चमत्कार है आप मैं क्या आपको बोलू इस बारे में मैं मैंने खुद अजमाया जी हम मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव मैंने जिनके डिवोर्स केस चल रहे हैं मर्डर केस चल रहे हैं दुरंत देव दुरंत देव बोला उन्होंने दो तीन महीने जज उनके साथ वकील उनके साथ क्या बात है पावरफुल है फिर तो पावरफुल मैं कहता हूँ साक्षात कलयुग में बचाने वाले भगवान है वो, वो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप अच्छा प्रभु जी आप कौन वाले एक हफ्ते बोलो प्यारे एक एक हफ्ते हफ्ते बोलो बोलो और बोलो, मजाले आपको कोई अड़चन आ जाए कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं वर्ड्स कभी भी बोलिए फ्री के हैं मैंने इतने बड़े बड़े केस सॉल्व करवा दिए इससे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी एक दो बताओ सर कोई किस्सा क्योंकि आपके तो बहुत वायरल हुआ था बंदों ने यूज भी करा होगा कोई एक दो किस्से आपके पास आए हो कि कि भाई इन वर्ड से लोगों की ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है मेरे मालिक मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं आपके पैरों तले तो जमीन खिसक जाएगी किसका दो बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक बिल्कुल प्रभु जी अब हमारे पास एक मेरी प्यारी बहन आती थी वो बड़ी परेशान थी उसके हस्बैंड के साथ उसका बड़ा जबरदस्त केस चल रहा कोर्ट केस अच्छा। और वो हस्बैंड क्या कह रहा मुझे पैसा दे औरत को औरत को लड़की को कह रहा पैसा दे मैंने कहा ये क्या बात कर दी आपने कह रहे कि वो कंगला है मेरे पास पैसा है उसके मां-बाप नहीं कोई नहीं अरबों रुपए की जायदाद उसके पास। लड़की, पास लड़की के पास लड़की के पास लड़का कह रहे मैं तलाक ही नहीं दूंगा पैसा दे दे भाई आधा लेके जाऊंगा फौरन में तो ऐसा होता ही है आधा-आधा हो जाते दोनों का हां जी फौरन में तो ऐसे ही होता है

एक गुरु को ना सबसे मजा कब आता है आप बताइए कब आता है गुरु को जो मतलब उपाय लग जाए उपाय लग जाए, जाए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सामने वाला बोल दे हाँ जी असर आ रहा है तो गुरु को लगता है गुरु सातवें आसमान में पहुंच जाता है उस समय प्रभु मेरी जो तरकीब थी काम कर आत्मा को ऐसे लगता है आत्मा को ना ऐसी ठंडक पहुंचती है बिल्कुल जैसे कि गुल... सौ गुलाबों के रस में भी ना आए वो ठंडक और जी जी के तो वैसे भी पंचम भाव में बुद्ध है अच्छा और पंचम भाव में सूर्य है सूर्य बुद्ध का बुद्ध योग है और साथ में जो है लगन में गुरु है लगन में गुरु वाला जो होता है वो वैसे ही अपने आप में ही उसको इंट्यूटिव पावर इतनी ज्यादा होती है और बारहवें घर में केतु है तो मोक्षकार होता है केतु यानी कि चुरासी लाख योनिया अगर बारहवें घर में किसी के भी केतु है तो ऐसा इंसान चुरासी लाख योनिया कंप्लीट कर चुका है ये उसका आखिरी जन्म है किसी की भी कुंडली में अगर बारहवें घर में केतु छठे भाव में राहु है छठे भाव के राहु वाले को दूसरों से क्या करना होता है कि ऐसे इंसान को क्या दुश्मनों की जरूरत उसको जाकर लड़ना नहीं है उसे बस अपने मन में सोच लेना है कि मेरे दुश्मन है ये राहु, अच्छा। राहु हाँ। जबरदस्त तो तो कॉम्बिनेशन है, कि है ना ऐसे किसी को बोल भी पंचम भाव में जो बुद्ध होता है वो वैसे ही फकीर की आवाज होता है वो कहता है किसी के लिए अगर कुछ बोल भी देना जा तेरा कल्याण होगा तो उस इंसान का कल्याण हो जाता है तो इतनी पावरफुल कुंडली है इनकी ग्रहों मेरे मालिक मेरे प्रभु और आप अपने ग्रहों को अच्छा रखोगे रखोगे वो, रखो वो रखो। भी बहुत है बिल्कुल 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 देखिए क्या होता है हमारा दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है आप जितना तमीज से बात करोगे जितना पोलाइट बात करोगे आपका धन भाव बढ़ता रहेगा ये एक बड़ा सिंपल सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ उपाय उपाय तो मैं आपको ऐसे ऐसे बता दूं आपका आनंद खुश मतलब आनंद लो आप जिंदगी का अब दूसरा भाव जो है ना अगर उसमें चंद्रमा का को कोई शत्रु ग्रह नहीं है हर कोई नहीं अगर आपका दूसरे भाव में चंद्रमा का शत्रु कौन होता है राहु केतु शनि बुध शुक्र अगर ये ग्रह आपके नहीं बैठे दूसरे भाव में मेरा बताना फर्ज है अगर मैं सीधा उपाय बता दूंगा किसी का नुकसान हो जाएगा समझिएगा लोग आजकल पॉडकास्ट में आपको पता ही है फ्री के पेड़े बांट रहे हैं सबको शुगर होगी तब पता चलेगा फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल 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 थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है तो ये जो ग्रह ना हो जिसकी सेकंड हाउस में शनि राहु केतु शुक्र और बुध ये ग्रह ना हो वो बीस किलो की चावल की बोरी अपने घर में जरूर रखे अच्छा सफेद कपड़े में सफेद सूती कपड़े की एक बना ले बोरी और उसमें चावल रख दे मैं कहता हूँ जिंदगी का आनंद लेगा वो इंसान चीजें अपने आप सही होने लगेंगी और अपनी जबान जो है उसे मीठा कर लो गाली गलोच ना करो प्यार से बोलो शांति से बोलो सबकी इज्जत करो तो दूसरा घर आपका एक्टिव हो जाएगा वैसे मेरा जो है मेरा पंचम बुध है मैं जितना तमीज से बात करूंगा जितना अच्छा बात करूंगा मेरा बुध अच्छा हो जाएगा तो मैंने कई सालों की प्रैक्टिस के बाद थोड़ी सी अपनी जवान दी <laughs>

मतलब कुछ गलत ही दोस्त बनेंगे वो वो क्या क्या है वो मेरे मालिक मेरे प्रभु जैसे कि आपने बोला मित्र कैसे होने चाहिए अब मित्र जो होते हैं वो बुद्ध से देखे जाते हैं बड़े मंगल, से भी, है इलुद। मंगल इलुद। से भी देखते हैं कई से... बुद्ध से भी देखते हैं लेकिन आज मैं बुद्ध के कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ अब बुध और मंगल बुध और मंगल जब मिल जाएंगे तो ऐसे इंसान को कैसे मित्र मिलेंगे मिलेंगे शालबाज क्रिमिनल्स, वाले, वाले, धोखेबाज, उसका पैसा लूट-लूट के खाएंगे जिसका बुद्ध और मंगल एक साथ होगा ग्रहों का बहुत खेल है लाइफ मेरे मालिक ग्रहों का ही खेल है सब कुछ और कुछ भी नहीं है मैंने देख लिया है। ये पक्का ढन है ग्रहों का, का खेल है सारा अगर आपने ग्रह बांध लिए तो ना कोई वाइट ना कोई काली ना कोई पीली ना कोई नीली शक्ति आप पे असर कर सकती है यह मेरी गारंटी है वो करेगी नहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ग्रह स्ट्रॉन्ग कर लिए और एक चीज मैं बताऊं आपको जिस दिन आपका वक्त खराब चलेगा ना तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो फिर सारी शक्तियां असर होंगी फिर फिर आप हर किसी के पास जाओगे कि मैं क्यों परेशान हूं और वो आपको दस कहानियां सुनाएंगे उसके बाद फिर इस कारण से उस कारण से उस कारण से इस रिश्तेदार ने उस रिश्तेदार ने तो कहानियां अच्छा बल्ले बल्ले थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हुआ ना तो आपको समझ नहीं आएगा ही आएगा सबका आएगा तभी मैं कहता हूं अच्छे टाइम में ही कंट्रोल कर लीजिए सब कुछ मैं उसी पर आने वाला था बिल्कुल अच्छे टाइम में मेरे मालिक सबसे अच्छे क्या उपाय होते हैं फीडिंग के क्या, क्या क्या बताओ फीडिंग के नॉर्मल उपाय होते हैं मैं आपको आज बताऊं आप रोज एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालना शुरू करो मैं कहता हूं आपके बड़े से बड़ा दुश्मन खत्म हो जाएगा आपको कभी मेरे मालिक किसी काम की दिक्कत नहीं आएगी हरी मूंग की दाल बिल्कुल एक मुट्ठी बस फीडिंग के उपाय से मेरे मालिक कोई घाटा नहीं है ये चीज मेरे साथ अभी हुई है अभी मैं दो महीने से डॉग को फीड करा रहा हूँ और मतलब आसपास के सारे डॉग्स को मैं ही फीड करा रहा हूँ आपके सारे शत्रु गायब हो जाएंगे आपके सामने जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो ठंडे हो जाएंगे आप गर्म हो जाएंगे <laughs> कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा आपका आप बकरियों को चने खिलाओ अगर आपको बकरी मिल जाए ना भीगे हुए चने रात के बकरियों को खिलाओ पीछे दूर मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार देखेंगे आप आप लाइम लाइट से रिलेटेड हो जितने भी पॉडकास्ट वाले हैं या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जितने भी चाहते हैं कि भाई हम कुछ करें जीवन में तो क्योंकि राहु की नगरी है ना ये राहु ये सब कुछ राहु है कि जितना भी जो सोशल मीडिया वाला है सब राहु है राहु ही आपको रातों रात अमीर बना देता है राहु ही आपको रात रात गरीब बना देता है एक बंदा राहु राहु बैठा है और उसके बाद सारे लोग उसके पास ही आए जा रहे हैं है ना अब उसके अब जैसे कितने सारे इन्फ्लुएंसर थे रणवीर अलाबादी को बुला लिया वहां पर कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स है ना राहु जो है ना आपको जो राहु जो है ना बुद्धि है अगर राहु किसी का अच्छा है ना जैसे आपका थर्ड हाउस में राहु है तो राहु जो है ना आपके सिर पे सवार हो जाता है तो इस इंसान को जो है ना कहते हैं ना कि उल्लू चढ़ जाता है सर पर ऐसे लक्ष्मी माता रानी का उल्लू है ऐसे राहु जिसकी इंसान के अगर फेवर में आ गया तो उसको रातों रात जो है ना करोड़पति बना सकता है राहु ऐसा प्लेनेट है और राहु जो है ना वो प्यास है इसलिए जो है ना ऐसे लोग की ऐसे लोगों की ना इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं जिनकी कुंडली में राहु प्रबल होता है तो उनको ना हर एक चीज को ना उनको प्यास हो जाती है उनको इच्छाएं उनके थर्स्ट जाग जाती है कि मुझे अब ये करना है ये करना ये करना करना है 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 विचार आ रहे हैं और वो करते चले हैं करते चले हैं और ऐसे राहु नेगेटिव हो जाएगा तो उनके गलत उनके दिमाग में विचार आ जाएगा वो बंदा बैठ जाएगा कुछ नहीं करना तुझे ठीक है बैठ जाएगा तो ये राहू की जो दुनिया है ना ये सारी लाइम की दुनिया सारी राहू की है अब राहु जो है ना कलयुग का राजा भी है जिसके सिर पर बैठेगा उसको राजा बना देगा तो राहु अच्छा होना जो है वो बहुत ज्यादा ज़रूरी ज़रूरी है है बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की डेट में राहू का अच्छा होना और राहु को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी स्वीपर की सेवा करो सफाई कर्मचारी की सेवा करो आप कहीं पर भी अगर आप हवाई यात्रा से जा रहे हैं तो वहां पर जो टॉयलेट्स होते हैं बीस रुपए का नोट लेके जाओ और उनको टॉयलेट में उनको जाकर दो आपकी हवाई यात्रा बिल्कुल सही जाएगी आप अगर बाय ट्रेन जा रहे हैं तो ट्रेन के वहां पर जो शौचालय होते हैं सुलभ शौचालय जो होते हैं वहां पर उनको बीस रूपये का नोट जरूर दे देकर आओ लाल रंग का नोट दोगे क्योंकि लाल वाला आप चलता नहीं तो ग्रीन वाला ही मिलेगा बीस का तो वो दे देकर आओ और उसके बाद अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो जहां पर भी आप यूज करते हो शौचालय तो वहां पर उनको बीस बीस रुपए के नोट दे के आओ आपका मजा ही नहीं है कि आपकी यात्रा जो है वो खराब हो जाए बीस रुपए का नोट दे के आओ दो नंबर लाल आप, वाला लाल वाला होता है ना वो मंगल वो का हो जाए तो बहुत बढ़िया वो हो जाए तो बहुत बढ़िया पुराने भी मिल जाते हैं आजकल तो पुराने आपको मिल जाएंगे अगर आपने लाल मंगल लाल जो है ना वो मंगल का है राहु जो है वो बिगड़ा हुआ हाथी है हाथी जो है वो किससे मानता है महावत से मानता है तो ये जो है ना उसको अगर आप लाल लाल वाला नोट दोगे तो उसको बहुत बढ़िया उपाय है ये और अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने सिरहाने के नीचे पांच रुपए का सिक्का रखो जिन जिन लोगों के राहु खराब है नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं पांच रुपए का सिक्का रखो सुबह उठाकर उसे किसी सफाई कर्मचारी को दे दो अगर आप पांच पांच सोचते हो कि पांच पांच रुपए के सिक्के रोज रोज कैसे देंगे तो इकट्ठे कर लो एक साथ दे दो आप देखोगे थोड़े ही दिनों में जितने कामों में अड़चने आ रही थी वो सारी आपके ठीक होनी शुरू हो जाएगी काम बनते चले जाएंगे जो लोग कहते ना हमारे काम ही नहीं बनते काम ही नहीं बनते तो ये राहू की पॉजिटिविटी को रखना अपने साथ में बड़ा जरूरी है ये है और वैसे भी हम लोग दिल्ली में रहते हैं आपके वहां पर जो सुबह सुबह गाड़ी आती है कूड़ा लेने वाली बस वो सफाई कर्मचारी सरकार से अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है और वो सफाई कर्मचारी जो सरकार के ही होते हैं उनको आप बीस बीस रुपए के नोट दो आप देखोगे आपके सारे काम बनते रहेंगे ये राहु का कमाल है और राहु एक मिनट में मानता है और एक मिनट में बिगड़ जाता, जाता है हाँ और राहु खराब होगा ना तो ऊँट पे बैठे हुए कुत्ते को ऊँट पे बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाएगा राहु खराब हो गया तो ये चीज देखो अब देखिए साक्षी जी ने जैसे बताया कि राहु देव को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं अब जैसे मैंने आपको बताया कुत्तों की सेवा केतु पक्षियों की सेवा बुध आप चीलों को खिलाओ कौओ को खिलाओ कौआ क्या है कौआ है हमारा देव अच्छा कौ को आप पनीर खिलाइए ओए होए होए पनीर क्या है शुक्र शनि शुक्र का योग बनेगा पैसा ही पैसा मैंने इतने लोगों को जिनके पास पत्रिया नहीं है, उनको कहा कबूतर को, को जाके दही खिलाओ, पनीर खिलाओ, मजा ही आ जाता है, आनंदी, आनंद, अनन्द परमानंद। कुत्ते को भी पनीर खिलाने से बड़ा अच्छा होता है। किसको? डॉग्स को। डॉग्स को। डॉग्स को, को।, 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 को पनीर खिलाने से बहुत बढ़िया हो जाता है उससे भी और चीले क्या है अगर चीले जैसे आपका यहाँ पे बड़ा भाग हो कोई पारक बहुत बड़ा हो वहाँ चीले भी होंगी चीलों को आप पीली वाली घाटियां खिलाओ पतली पतली जो होती है लंबी लंबी ना सेविया मोटी वाली ओए होए 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 मैं कह रहा हूं बृहस्पति इतना सुंदर हो जाएगा आपका बृहस्पति ज्ञान है विस्तार है बरकत है बहुत सुंदर हो जाएगा चील को खिलाने से क्या होता है चील जो होती है ना क्या कहते हैं कि आपने देखा है कि चील के ऊपर कौवा बैठ जाता है तो चील क्या करती है थोड़ा सा और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है और गवे को हटाती नहीं है वो और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है गवे का जो है ना सांस रुकना शुरू हो जाता है तो वो अपने आप ही नीचे उतर जाता है तो चील को खिलाने से क्या होगा कि आप अपने ब्रांड बनेगा आपका। आपका आप चाहिए ऊंचाइयों को गए जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो जो है ना कुछ मीट के पीसेस भी चीलों को डाल सकते हैं देखिए कई फीड करा सकते हैं देखो जो वेजिटेरियन है वो पीले रंग की गाठियां खिलाएं जो नॉन वेजिटेरियन है वो अगर डाल भी देंगे तो उससे भी उसको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और फॉरेन कंट्री में तो, तो, okay. बिल्कुल, बिल्कुल। तो उपाय होता है इतना का कर वाए वाए कर हैं। हैं। जैसे कौ को चीलों को या जो पक्षी खाते हैं ये चीतड़े खिलाते हैं चीतड़े शनि का रूप होते हैं जो नॉन वेज का बचा हुआ पार्ट जो होता है तो वो आप किसी को भी खिलाएंगे तो आपका व्यापार आपका श... बीमारी आपका कर्जा आपका कोर्ट केस आपकी शादी में लड़ाई झगड़ा कुछ भी अड़चन आ रही हो तो आप खिला सकते हो सारी दूर ये एक थोड़ा सा तांत्रिक उपाय में चला जाता है नहीं। क्योंकि इसमें मांस का उपयोग हो जाता है ना हां समझ गया तो थोड़ा सा ये उस तरफ जो जानवर जो फीड खाता है उसको वो फीड करा सकते हैं करा, तो करा सकते हैं है। मेरे मालिक बिल्कुल क्यों हम अपने घर के डॉग्स को नॉनवेज नहीं खिलाते खिलाते तो ना पेडिग्री में भी तो नॉनवेज होता है बिल्कुल मैं तो अपने डॉग को नॉनवेज ही खिलाता हूं ये तो ऐसा उपाय है रामबाण उपाय है हम देखिए पॉडकास्ट में इसलिए नहीं बोलते हैं कहीं बुरा मान जाए फिर हमें बुरी बुरी बातें भी लिखी जाती हैं <laughs> हम तो मात्र एक अब शेर दूध तो पिएगा नहीं <laughs> या शेर घास तो खाएगा नहीं या सब्जी रोटी तो खाएगा नहीं वो तो मांस ही खाएगा ये सही है अब कौवा और चीले बाज <laughs> ये जितने भी गिद्ध होते हैं ये मांस खाते हैं तो अगर आप इन्हें चीथड़े डालोगे तो मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं काम में रुकावट तंत्र मंत्र जादू टोना नजर बीमारी कोई बड़ी से बड़ी या समझ ही नहीं आ रहा बस बीमार हो जा रहे हैं इसमें शादी में विघन आ रहा हो चल रहा हो हो कोई कोई भी विद्या हर कर सकता है हर कोई कर सकता है, कर सकता है। बहुत अब सर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ आपके पास ऐसे केस आते हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड प्रेत बाधा भूतों से रिलेटेड हो मेरे मालिक इतने आते हैं इतने आते हैं कोई अंत नहीं है अच्छा अंतहीन पहले ऊपर अपने गुरु जी के आशीर्वाद से हमने साधनाएं करी कर रखी है मैं सिद्धि नहीं बोलूँगा आजकल सारे जितने भी पॉडकास्ट में आ रहे हैं सिद्धि 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 करे जा रहे हैं मैं उन बेचारे बच्चों को क्या बोलूँ मेरे सामने तो बहुत छोटे छोटे हैं हम तो करके छोड़ चुके हैं ये चीज़ें कि ना लें उन ताकतों से पंगा जिनके बारे में आपको नहीं पता नहीं तो अंत आपका बहुत बुरा हो जाएगा मुझे लगा सर कुछ और ही बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं, तो हो जाओगे। <laughs> नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए एक साधना और सिद्धि में बड़ा फर्क है हाँ। आजकल लोग बोल रहे हैं मैंने साध रखा है सा, मतलब मैंने सिद्धि कर रखी, रखी, है, है। सिद्धि मतलब आपने उस शक्ति को अपने पैरों तले दबा दिया उसे कहते हैं सिद्धि जो रावण जी ने कर रखी थी बस बस उसके बाद कोई सिद्धि करने वाला अभी तक हुआ नहीं कहते हैं ना सारे ग्रहों को पैरों के नीचे शक्तियों को पैरों के नीचे दबा दिया था बैठते थे वो नहीं है लेकिन बहुत सारे तांत्रिक हैं जो क्लेम है, है वो साधक साधक है, है। सिद्धि और साधक में बड़ा फर्क है मेरे मालिक पूजा करना और किसी सिद्धि को साध लेना वो बहुत बड़ी चीज है वो ऐसे कोई पॉडकास्ट में बैठेंगे जो सिद्ध करके बैठे हुए हैं उनको जरूरत है वो तो यू हिलाएंगे यूं करेंगे और यूं काम वो तो यूं करेंगे यूं मोदी जी आएंगे उनसे मिलने कई हैं और यहाँ पे इंडिया में इंडिया में कई हैं जिनका नाम भी नहीं पता लोगों को हमारे तो जो अंबानी अडानी प्रधानमंत्री वही बात होती है उनकी अच्छा जिन्होंने सिद्ध कर रखे हैं ये तो आजकल तो मजे ले रहे हैं। बोल बोल के हमारे वो। जो थे <laughs> थे आ, आप आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी कोई कमाख्या देवी को सिद्ध कर रखा है मतलब उनका हुक्म मान रही है कमाख्या देवी जिस इंसान का आप समझ रहे हो वो पॉडकास्ट में बैठेगा आके वो तो यू करेगा और वो बंदा उसके सामने बैठा होगा जिसको वो चाहेगा कैसी बातें कर रहे हो प्रभु लेकिन होती है सारी चीजें होती है। होती है सिद्ध होते हैं और दूसरी चीज पावर्स होती है इसमें कोई दो राय नहीं है अगर लाल तो आते किताब आते के टोटके हाँ। ही तो है ही हाँ। जैसे ये जो टोटके तो� हैं लाल किताब के ये भी काम करते हैं और हंड्रेड एंड वन परसेंट करते हैं अगर ये स्टोन ये रतन काम करते हैं तो हर चीज काम करती है प्रभु बस आप में ज्ञान होना चाहिए और आजकल ज्ञानी जो है ना बड़े कम है माफी चाहूंगा आजकल ज्ञानी बटे पड़े हैं कईयों को पत्री की समझ है कईयों को वास्तु की समझ है कईयों को न्यूमरोलॉजी की समझ है तो ये बटे पड़े हैं सारे एक जो कॉम्बिनेशन मिल जाए ना वो बड़ा जबरदस्त होता है अब आपको एक चीज मैं बताता हूं आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आपको आनंद आएगा एक न्यूमोलॉजिस्ट उसने क्या किया उसने छ नंबर पे रख दी एक बिटिया रानी की नेम की स्पेलिंग अच्छा छ नंबर शुक्र का पांच नंबर बुध का ये दो नंबर पकड़ के चलते हैं सिर्फ छ और पांच उसकी मदर का फोन मेरे पास आया लड़की की हाँ जी अपॉइंटमेंट मैंने उसके बारे में सब कुछ बता दिया कि मैंने कहा टेंथ ट्वेल्थ के आसपास पढ़ाई ख़राब हो जाएगी इसको कोई बीमारी लगेगी शारीरिक कष्ट होगा वो रोने लग गई मैंने कहा किस लिए रो रहे हो जी आप कह रहे जी बिल्कुल ठीक बताया आपने बिना बताए जो जैसे आप बोलते हो वही आपने सेम वही बताई घुटने में इसके दिक्कत आई चलना फिरना बंद और ये इसकी पढ़ाई खराब कह रही उससे पहले मैंने क्या किया था एक बहुत नामी ग्रामी इंसान से इसका नेम ठीक करवाया था छः नंबर पे करवा दिया ठीक है जी कहती मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था कि जिसमें आपने बताया था ऐसे ही न्यूमोलॉजिस्ट ने बुद्ध पे नाम रख दिया था पाँच नंबर पे उस लड़की का और उसके बाद उसकी सर में दर्द हो गया था बाल खींचने लग गए थे उसके और वो बीमार पड़ गई थी लड़की मैंने वो आपका पॉडकास्ट देखा इसलिए ये अपॉइंटमेंट लिया मैंने आपसे

फिर वो पॉडकास्ट देख के ये बिचारी भी आई मेरे पास कि मैंने कहा किस पे किया कह रहे शुक्र पे शुक्र देखा उसका तो शुक्र सूर्य राहु की योग थे उसके न्यूमरोलॉजिस्ट को पत्रिका देखनी आनी चाहिए वो किस नंबर पे कर रहा है गलत चीजें भारी पड़ जाती है आप नेगेटिव ग्रह की ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकते कहते हैं ना हमारे ज्योतिष में कि आप नीले कपड़े मत पहनो आप काले कपड़े मत पहनो क्यों हमने राहु की एनर्जी को बढ़ाना नहीं है और अगर आपने बड़ा ही स्वच्छ रहना है आप लाइट कपड़े पहनो जैसे आपने ब्लू पहन रखा है लेकिन लाइट है ठीक है जी आप सफेद कपड़े पहनो आपके ग्रह बैलेंस हो जाएंगे ठीक है सबसे पहले कहा आया आपकी ज्योतिष में आया कि सफेद कपड़े पहनो आप सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दो आप ब्रॉडकास्ट में छा जाओगे गारंटी मेरी है आप देखना कई एस्ट्रोलॉजर हो सफेद कपड़े पहनते हैं और वो बहुत ऊंचे-ऊंचे हैं इस समय नाम नहीं लेना चाहूँगा बाद में बताऊँगा आपको और वास्तु वाले भी ये कहते हैं अगर आपको वास्तु नहीं आती आप सफेद रंग कर दो पूरे घर में अच्छा क्यों क्योंकि वाइट जो होता है वो न्यूट्रल कलर होता है वो ख़राब नहीं होता कहीं कभी समझ रहे आप मेरी बात समझ गए तो सफेद कपड़े पहनो आप आप मजा है आपका कोई घर खराब हो जाए आप फेमस हो जाओगे पॉपुलर हो जाओगे है ना ये भी अब वो लेडी को मैंने अभी उसका इलाज चल रहा है उस लड़की का अच्छा अब वास्तु की एक बात बताता हूं मैं आपको जिसका नाइन्थ हाउस में बुध आ जाए सॉरी एट्थ हाउस में बुध आ जाए वर्षफल में उसे अपना मंदिर नहीं चेंज करना चाहिए पूछ लीजिए जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपको बता दें लाल किताब ला के अब क्या किया है एक एस्ट्रोलॉजर बुला लिया उस साल जैसे पांच छह लोग रहते हैं घर में दो लोगों के बाई चांस आठवें घर में आया हुआ था मैं मेरे मालिक मेरे प्रभु आपको क्या बताऊं उसने आके उनका मंदिर चेंज करवा दिया साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लेके आया उसने सही चेंज करवाया नॉर्थ ईस्ट लेके आया अब वास्तु वाले बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, में सबसे बेस्ट लेकिन उसने पत्रिका नहीं देखी जैसी मंदिर लाया आप मानोगे नहीं लड़की भाग गई घर छोड़ के दूसरा मेरे मालिक क्या हुआ उसका बिजनेस ढूंढना शुरू धम 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 धड़म फिर उसके बाद क्या हुआ वो बेचारा भटक रहा तो के हमारे जो प्यारे जितने भी क्लाइंट है परिवार जो है उन्होंने कहा कुछ ना करो भाई गुरुजी के पास चले जाओ जो, जो कहे वो कर लो यही डायलॉग मारते हैं हमारे जितने भी क्लाइंट होते हैं जो परिवार है हमारा वो दो बातें नहीं करते वो कहते हैं जो वो बोले कर लेना भाई जैसे वो बोले कर लेना आपका काम हो जाएगा स्पष्ट सी बात है वो हमारे पास आए हमने फिर सौ जतन करे क्योंकि मंदिर हिला दिया था उस साल तो बेकार होना ही था तो हमने उनको अष्टम बुद्ध के उपाय करवाए अष्टम बुद्ध के क्या उपाय होते हैं सबसे बड़ा उपाय होता है अर्थी देनी पड़ती है लकड़ की जैसे मंजी दान में दान, दान में मंजी या तो लकड़ की मंजी दो शमशान में या फिर वो जो अर्थी होती है लक्कड़ की वो दो ठीक है जी चीनी दाल के मटकी में वो दबाऊ अष्टम बुद्ध के मेरे मैं सबको उपाय देते रहता हूँ भाई जिसको नॉलेज है वो सुन ले मशरूम मंदिर में रखवाओ अगर दूसरा घर खाली है तो अगर दूसरा घर खाली है तो मशरूम मंदिर में जाएगा नहीं तो अगर वहाँ कोई शत्रु बैठा है तो भैया मत करना दूर दूर से हाँ दूर से हाथ हाथ जोड़ जोड़ लो, लेना मशरूम 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 मंदिर ना, ना प्लीज, का दान कर देना। का दान कर देना। तो दान कर कर देना, देना, अब जैसे हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें मंगल वाले को साउथ घर में नहीं रहना होता एक मेरा भाई आए पत्रिका में भी वो योग रहे घर में तूफान मचाओ भाइयों में लड़ाई कह रहे हम बुढ़ापे में आ रहे हैं अब जाके लड़ाइयाँ हो रही हैं हाथापाई हो रही हैं भाइयों में मैं कहा क्यों कह रहे अभी-अभी मकान चेंज किया था डिस्प्यूट का केस डिस्प्यूट का केस क्या कह के रहे नया मकान बनवाया 18 करोड़ रुपया खर्चा हुआ 15-20 लाख रुपए एस्ट्रोलॉजर को दिए और उसने बहुत अच्छी डायरेक्शन खुलवाई वास्तु के हिसाब से साउथ की 23 की एंट्री होती है पैसे की कामकाज की जबरदस्त कह रहे कामकाज रहा है लेकिन घरेलूच हो रहे हैं घर में फूटा भुटा, पुटाई लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस हो गया जी कह रहे मेरे पैर छूटे थे मेरे बाकी तीनों छोटे भाई अच्छा कह रहे आज आ, दो दो एक तरफ हो गए दो एक तरफ हो गए हाथापाई हो गए मुंह मां टूट गया हमारे <laughs> मैंने कहा अच्छा जी मैंने मैंने देखी पत्रिका मैंने कहा भाई साहब आपका कहीं साउथ साइड से तो नहीं एंट्री कर दी बंदे ने करे हाँजी कर दी अच्छा चौथे घर का नीच का मंगल मेष लगन की पत्रिका उसकी बंदेगी इतना वैसे वो गुस्से वाला और उसका गुस्सा भड़क गया होगा चौथे घर का मंगल चौथे घर में नीच का बैठा हुआ उसने तूफान मचा दिया क्योंकि नाम था उसका पूरी कोटी उसके नाम पे तो उस उसपे ज्यादा इफेक्ट आ गया ना जिसके घर पे नाम होगा ना उसके ग्रह ज्यादा इफेक्ट करेंगे ना और जिसकी कुंडली ज्यादा कमजोर होगी उस उसपे ज्यादा इफेक्ट आता है वास्तु का तो उसकी बेचारे की थ्री साइड ओपन थी फिर हमने उसका वेस्ट से निकलवाया साइड शनि बढ़िया सप्तम तो में बैठा हो तो होता सप्तम का शनि हो, उच्च का होता हो, हो, हो। वहां की एंट्री यहाँ खुलवाई तब जाके उसके घर में शांति पड़ी और कह रहा जी हम तो फोन करे जा रहे हैं उन्होंने कहा हमने करवा दी जी वास्तु अब हो गई हम फोन नहीं उठाते दोबारा हम अच्छा पंद्रह बीस लाख इसी पे आते हैं सर आप ये डिस्क्राइब कर दो थोड़ा सा जी असली और नकली एस्ट्रोलॉजर की जो हम बात कर रहे थे मेरे मालिक वो ही नहीं है जो आपकी पत्रिका खोल के आपके बारे में ना बता दे आपकी समस्या के बारे में ना बता दे वो एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है बिना हम खुद बोले वो वही बता दे आपको आपने बोल दिया तो फिर क्या फायदा हुआ बताने दो फिर बाद में डिस्कशन होगी ना बिल्कुल आपने मेरे मालिक कुछ नहीं बताना है वो ही बताएंगे जो बताएंगे और जो वास्तु वाला है वो आपको पहले बताएगा आप मेरे पास क्यों आए हैं आपका नक्शा देख के अगर आपका नक्शा देखा और आपके बारे में ना बता पाया आपकी प्रॉब्लम ना बता पाया तो वो वास्तु साक्षी मैं सही एक तरीका बता रहा हूँ आपको जिसको नॉलेज होगी ना वो यूं बता देगा आपके इस कब्बड में स्पीकर पड़ा है इस वजह से आपके कानों में टी की आवाज़ आती है आती आती है ना कईयों के कानों में हाँ। बस ऐसे टी की है मैं बता रहा हूँ तो वो ये बता देगा इस कब्बड में इस जगह पे या इस डायरेक्शन में हमारे पास तीन कुत्ते हैं ठीक है तीन डॉग्स हैं हमारे पास एक अमेरिकन नकीता और एक सेंट बर्नार्ड और एक रियो वो गोल्डन टेटी ठीक है हमारे क्या करा काम वाली ने तीन दिन तक जो है ना वहां पर पानी थोड़ा सा कम हो गया था तो पीछे तो उसने हमें, हमने देखा नहीं पीछे के बाथरूम में उसने तीन, तीन दिन दो दिन तक बाल्टी रख दी पानी की भर भर के साउथ ईस्ट में अब साउथ ईस्ट जो ऐसी जगह है ना जो मनी फ्लो की है और वो एग्रेशन वो मंगल की दिशा है तो वहां पर आपने जो ना पानी की बाल्टी रख दी उसके बाद क्या हुआ क्या कहते हमारे कुत्ते ने क्या करा क्या कहते कि ना वो पब्लिक को काट लिया ठीक है लड़ाई झगड़ा हो गया पड़ोसियों में कि तुम्हारे कुत्ते ने किसी के ड्राइवर को काट लिया पहले कभी नहीं काटा ठीक है का, पहले कभी नहीं, नहीं काटा का, पहले भी काटता है लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा कोई वो हमारे ऊपर केस ही कर दे उन्होंने क्या भी ये तो कर कुत्ते हैं ये है वो है उन्होंने जाके एफ आई आर करवा दी अब एफ आई आर क्या करवाते हैं सारे एस एच ओ एस एच ओ सो सारे हमारे पास ही आते हैं तो हमने उनको फोन कर दिया हमने कहा देखना चाहिए क्या करवा दिया इन्होंने तो ये तो मतलब ये देखो बिना बात पे फिर जैसे ही

कि वो वास्तु शास्त्री आपको बता देगा अरे ये इनमें भाई साहब आप इसलिए आए हो मेरे पास और न्यूमरोलॉजिस्ट तो जी ऐसा है ना कि वो तो ऑनलाइन बस आपको पीडीएफ भेज देते बात भी नहीं करते एस्ट्रोलॉजर का बिल्कुल अब कई एस्ट्रोलॉजर्स तो है, एक, एक है वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं सिर्फ उनका ना कोई एड्रेस है ना कुछ ना लेना ना देना तो एड्रेस तो आप जरूर सर्च कीजिए कि ये सही में कोई है कि नहीं है तभी पैसे जमा करवाइए बड़ा जरूरी है मेरे मांग ऑनलाइन करते हैं ना ऑनलाइन करते हैं ऑनलाइन क्यों कर।, कर रहे हैं क्यों नहीं मिल रहे लोगों से मतलब उनमें कुछ कमी है वो प्रडिक्शन नहीं दे सकते हैं वो प्रडिक्शन दे सकता हो तो बंदा कहता आओ सामने बैठो बताओ मैं बताऊंगा आपको क्या बात है ऑनलाइन क्या होता है हाँ जी पंद्रह मिनट मिलेंगे बताइए दस मिनट मिलेंगे बताइए मीटिंग ही बनता है जूम मीटिंग 15 मिनट आप ₹50000 लेके पंद्रह मिनट का टाइम दे रहे हैं जूम मीटिंग में आप ले रहे हैं आपका कोई एड्रेस नहीं है आप बात को समझिए या आप टेलीफोन पे भी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं पंद्रह मिनट की आपको कोई एड्रेस ही नहीं है 15 मिनट बाद आपका तक खत्म कहानी आपकी बात खत्म तो खत्म मतलब इस तरीके से चले चला जा रहा है तो आपको एड्रेस सब पता होना चाहिए अब आपको मैं बोलूँ आपने पचास हजार जमा करवा दिए मैं आपको बोलूँ आपके पास पंद्रह मिनट है बताइए अगर आप ही बता देंगे तो मैं क्या बताऊंगा फिर सही बात है पंद्रह मिनट में आप उसे उपाय भी समझाएंगे और लिखवाएंगे तो टाइम क्या मिला पांच मिनट दस मिनट मुश्किल थे उसमें उपाय भी तो बताएंगे उपायों में भी पंद्रह बीस मिनट लगते हैं तो हम क्या करते हैं हम सिर्फ प्रडिक्शन पे बात करते हैं और उपाय हमारे बच्चे समझाते हैं हम उन्हें प्रॉपर आधा घंटा पौना घंटा अपॉइंटमेंट का देते हैं और ये नहीं बोलते बताइए क्या समस्या आपको हम बताते हैं क्या समस्या किस लिए आए हो आप किस लिए आए हो मजा तो वो है ना इवन हम उपाय भी जैसे लोग लिखवाते हैं और समझाते हैं उसी में ही अपॉइंटमेंट में ही अगर आधे घंटे की भी तो पंद्रह मिनट तो उपायों में चले गए तो हम उपाय भी बच्चे हमारे समझाते वो भी हम टाइम वेस्ट नहीं करते चाहे तो वो टाइम ना वेस्ट कर दें हम तो ये तरीका दी बेस्ट है तो तैयार रहिए समझदार बनिए फिर आप नहीं लूटेंगे सिंपल सी लॉजिक है बता मैम रही थी शुरू में कि ब्लैक मैजिक भी उन्हीं को होता है हाँ। वो भी देखी कुंडली लेके होता देखी है बिल्कुल बिल्कुल देखिए क्या कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चौथा घर जो होता है ना आपका सुख भाव होता है ठीक है अब किसी को सुख क्यों नहीं मिल रहा वो उसके फोर्थ हाउस में पता चलेगा सिक्स हाउस जो है ना हमारा किए किराए का है किया किराया तंत्र मंत्र जो है और आठवा घर जो है ना ये हमारा पेरानोमिकल एक्टिविटीज का है और छठा घर हमारा रोग का ऋण का और शत्रु का भी है ठीक है अगर आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ जाए या सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर आपका एट्थ हाउस में बैठ जाए या एर्थ हाउस जो कि शमशान का घर है उसका स्वामी आपका फोर्थ हाउस में आके बैठ जाए तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो जाएगा ठीक okay. है वो तंत्र मंत्र आपके ऊपर होगा हो ही होगा का छठे घर का और आठवे घर का स्वामी भी अगर आपका फोर्थ हाउस में फोर्थ हाउस में बैठ गया जो अगर स्वामी है तो ऐसे लोगों के ऊपर सारी जिंदगी कर्जे चढ़े रहेंगे कुछ भी कर ले वो वो कर्जे अपने उतार नहीं पाएंगे इस जन्म में तो वो कर्जे अपने वो लेकर आते हैं जिंदगी में किस्मत पर लिखवा के आते हैं तो ये है सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर तंत्र मंत्र बाई चांस हो जाता है तो ऐसे लोगों को क्या करना है क्या कहते हैं कि एक नीम की वो नीम की डंडी होती है कड़ी पत्ते की डंडी ले लो या नीम के पेड़ की डंडी ले लो उसके ऊपर से सात बारी एंटी बारी उतारो और उसको जाकर बाहर जाके जला दो घर के बाहर नीम की डंडी हाँ, ये मंगलवार के मंगलवार करते रहो और अगर आपको लगता है कि हाँ भी हमारे घर पर कुछ तंत्र मंत्र हो गया है तो आप ना एक एक ढक्कन जो है सफेद विनेगर का आता है विनेगर व्हाइट वाला विनेगर यानी जिसको सिरका बोलते हैं उसको अपने घर में आप पोछे लगवाने शुरू कर दो उससे भी तंत्र मंत्र जो है आपका निकलना शुरू हो जाता है और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर आपके घर में तंत्र मंत्र अगर आपको लगता है तो थोड़ी थोड़ी पीली पीली सरसों हर कोने कोने में आप डाल दो और उसको दो तीन घंटे के बाद उसकी सफाई कर लो उससे भी तंत्र मंत्र जो है वो निकल जाता है दूर हो जाता है और अगर आपने देखना है कि भाई तंत्र मंत्र है कि नहीं आपके घर में तो आप क्या कीजिए सात लौंग लीजिए उसे पूरे घर में घुमाइए हर कमरे में जाके घुमाइए अच्छी तरह से हाथ में पकड़ के हाथ में पकड़ के और वो पानी लीजिए एक कटोरी में ले लीजिए उसमें सातों लौंग डाल दीजिए ठीक है उसको डाल के रखिए रात से सुबह तक या थोड़ी देर एक दो घंटे या जैसे भी आधा एक घंटा और जितनी वो लौंग सीधी रहेंगी उतनी कम आपके नेगेटिव एनर्जी है लेटी हुई और अगर खड़ी जाएगी, हो जाएगी तो आप समझ जाइए कि नेगेटिविटी आपके घर में बहुत ज्यादा है ओके ये बहुत बढ़िया उपाय है बहुत बढ़िया अगर लौंग खड़ी हो गई तो समझ लीजिए कि दिक्कत है आपके घर में और लेटी रही तो समझ लीजिए परेशानी ये है। तो जैसे साक्षी जी ने बताया कि विनेगर डाल के पोछा लगाइए रात को पीली सरसों छिड़क दीजिए सुबह फिर झाड़ू में उसको निकाल दीजिए सिंपल सस्ता अगर आप सस्ता उपाय बहुत किसी पर ज्यादा है ये चीज ग्रह क्लेश वजह से देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो कहीं ना तो कहीं कही है।, है। पत्रिका जरूर दिखाइए एक बारी ठीक है देखिए जरूरी है अब बुरे वक्त में ही सब कुछ क्यों होता है अच्छे वक्त में क्यों नहीं होता सही बात है अच्छे वक्त में मैंने तो नहीं देखा अच्छे वक्त में किसी को तंत्र मंत्र होते हुए भी छोटी मोटी बुराई भी आती है एक्सीडेंट भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसमें कहते हैं चलो यार होना था हो गया है ना जो बहुत बुरा वक्त होता है ना पैसा नहीं आ रहा घर में कलेश हो रहे एक्सीडेंट हो गया काम काज बंद हो गया जब बुरा वक्त होता है तभी क्यों याद आता है जो सच्ची बात है, सही बात तो कहीं ना कहीं हर चीज का जो बेस है वो ग्रह है जैसे मैंने आपको फीडिंग के बारे में बताया आप फीडिंग आपने खुद कहा हाँ आपको स्ट्राइक किया यार मैं दो हफ्ते से खिला रहा था अभी संजीव जी ने कहा कि बड़े से बड़ा घटना भी नहीं घटित होती नहीं। तो आपने साथ वाली गाड़ी उड़ गई मैं बच गया हाँ। जबकि मेरे पीछे था और वो वो और आपके पीछे था हाँ। उड़ गई दूसरी गाड़ी हाँ। तो ये क्या है ये फीडिंग का चमत्कार है तो आप जितना आप फीडिंग पे ध्यान दोगे मैं सबको समझाता हूँ लोग मेरी बात नहीं सुनते बस इस मामले में सिर्फ संजीव जी पचास रुपए का जो उपाय मैं बता क्या कहता हूँ एक मुठ्ठी हरी मूंग की दाल बुध को अच्छा करेगी ठीक है जी थोड़े से पाँच रुपये के बिस्किट केतु को अच्छा करेंगे कुत्तों को खिलाओगे पाँच रुपये की आप गाठिया लेके पक्षियों को डाल दोगे कौओं को डाल दोगे चीलों को डाल दोगे पाँच दस रुपये की तो उससे आपका शनि और बृहस्पति ठीक हो जाएगा है ना मानते हैं थोड़ा सा दो तीन खीरे लेके गाय को खिला देंगे आपका बुध भी अच्छा शुक्र भी अच्छा तो क्या बुराई है और है। और किसी छोटा सा बच्चा कोई दिख जाए ना आपको या छोटी सी बच्ची उसे नमकीन खिला दो पांच रुपए का कभी भी क्या बुराई है हैमक से से के पांच पांच रूपए के जहाँ आपको सड़कों पे दिखते हैं उनको पैसे मत दो उनको नमकीन के पैकेट दो और आपको अगर पैसा चाहिए ना मजा मजा जबरदस्त आनंद वही चाहिए सबको है ना तो अनार का जूस घर पे निकालो चाहे दो बूंद चार बूंद या छोड़ा सा हाँ। वो जाके शिवलिंग पे चढ़ा दो अनार का जूस नहीं नहीं। हा, 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 हा। मैं कहता आनंद परमानंद अनार का जूस चढ़ा दो आप सुबह कभी भी सुबह ही चढ़ाओगे अगर मंदिर जाओगे तो लाल किताब में तो कहते हैं सुबह से लेके यार जब तुम्हें मौका मिले सूर्य अस्त होने से पहले 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 तभी करो सारे उपाय बताओ इतना अच्छा उपाय है ये अनार का जूस चढ़ा के देखो और और सस्ता बताऊं मैं आपको नहीं ठीक है इतना तो अफोर्ड तो कर लेंगे वैसे नहीं और सस्ता <laughs> कहीं नहीं कर सकता भी <laughs> अरे ऐसे भी है कहीं मैं कहता हूँ बर्फ जमा के शिवलिंग पे रख दो तू तो कहते हमारे घर में फ्रिज नहीं है ऐसे से वैसे आए थे मैं दो रुपए की बर्फ कैसे लूंगा

बाहर से नहीं मिलती आजकल ढूंढनी पड़ती है वो तो कच्ची बर्फ मिलती थी जो नहीं तो अगर कच्ची बर्फ 200 300 सौ रुपए की या सौ रुपए की इतनी सारी आ जाएगी, आ जाएगी जाएगी आती है सिल्ली वो शिवलिंग पे चढ़ा के आओ किसी दिन नहीं तो थोड़ी थोड़ी हफ्ते भर चढ़ा दी ना आपने घर में जमाई बर्फ बर्फ जमा के डाली शिवलिंग पे और साथ में अगर गुलाब जल डाल दिया तो ठंडक जो है ना वो शिवजी जी को तो जाएगी आपको मैं आपके आपके आएगी। आप कहोगे भाई साहब मुझे नहीं चाहिए पैसा मुझे नहीं चाहिए कुछ भी मुझे ये शांति चाहिए ये सुख चाहिए ये अनुभूति चाहिए ये शांत मन चाहिए क्या बात आप बोलोगे अपने मुंह से बात आप करके देखना अच्छा बिल्कुल सर मैं पक्का करूंगा सारी चीजें और गारंटी है आप याद करोगे आपको तो मैं पत्नी देख के एक उपाय बता के जाऊंगा आप मुझे याद करोगे उसके बाद जिंदगी भर मैंने एक जो आपके जो मित्र लगते हैं वहां पे जैसे लड़के काम करते हैं वो कहते हैं इसका कुछ हो नहीं पा रहा है सब भाई, कुछ अटक है है पे भाई ना उनसे पूछना उनके एक बच्चे को हमने बताया था उसकी जिंदगी तबाह थी बेचारे की कुछ नहीं हो रहा था मैंने उसे एक उपाय बताया सिर्फ एक गोल्डन वॉच ले ले भाई सस्ती से आ जाती है आजकल तो अमेजोन पे वो पहन ले वक्त तेरा गोल्डन हो जाएगा ये कोई भी कर सकता है वॉच तो पहननी चाहिए मैंने नहीं पहन रखी है लेकिन वॉच पहननी चाहिए बहुत अच्छा वक्त शुरू होता है उसके बाद और वो गोल्डन हो जाए तो बहुत बढ़िया है और जेब में हमेशा गोल्डन पेन रखना चाहिए मैं वैसे गोल्डन पेन ही रखता हूँ लेकिन जेब में नहीं रखता जी वैसे रखना चाहिए जेब में और गोल्डन वॉच मैंने उसे सिर्फ मात्र दो पाए एक अंगूठा चूसने वाला बताया वो तो चूसना चाहिए नहीं 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 उसका था वो उसका उपाय उत्तरा लाल किताब का ये उसका उपाय था उसका उपाय बन था।, था उसके लिए था उस लड़के की शादी हो गई तो अब जैसे विवाह में अर्चना आ रही है कई लोग बेचारे बोलते हैं कि गुरुजी विवाह के लिए भी कुछ बढ़िया सा बताओ तो लड़कियां अब सुचवट की बारी अब ये हिंदू सुचवट से मंत्र अब जैसे लड़कियां हैं और लड़कियां है बेचारे कह रहे हैं शादी करवा दो जल्दी से तो मदरं भारिया।, मदरं भारिया हमारी मधुरम जो है वो भारिया है इसलिए मधुरम भारिया ये बोलेंगे कौन लड़के और लड़कियां क्या बोलेंगी मधुरम आर्या अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए मैं कहती हूँ शादी, शादी आपकी मतलब ये लगा लीजिए होनी होनी है इसके बाद और विवाह आपने अगर करना है तो केसर वाला दूध शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए और साथ में क्या करना है आपने आटे के ना ग्यारह शिवलिंग बनाने हैं आटे के ग्यारह शिवलिंग जिसकी शादी ना हो रही हो साथ में तो ये बोलेंगे बोलेंगे आटे के शिवलिंग बनाकर उसको जो है ना रोज ग्यारह बार उसको जो है जलाभिषेक करने के बाद उसे मंदिर में रखकर आ जाए इससे भी शादी बहुत जल्दी होने के चांसेस बन जाते हैं और अगर आपको बहुत ज्यादा धन चाहिए तो मैंने आपको बताया है अनार का जूस जो आप डालिए और उसके साथ साथ आप कच्चे चावल भी चढ़ा सकते हैं कच्चे चावल, चावल तिरतालीस दिन या जो भी बांध लीजिए तेईस दिन ग्यारह दिन चढ़ा के आइए आपको पैसे की तंगी अवश्य ही दूर होगी काले तिल चढ़ाने से आपका तंत्र मंत्र जादू टोना पाप जो भी आपने किए पाप तो हम रोज ही करते हैं जी देखो सही है हमारे पापम श्रापम का नाश होगा हमारी कोई बड़ी घटना कोई तंत्र मंत्र जादू टोना ये इस प्रकार की चीजें आपके ऊपर नहीं होगी काले तिल जरूर चढ़ाइए बहुत आराम आता है और संतान प्राप्ति के लिए जैसे लोग कहते हैं भाई पुत्र प्राप्ति के लिए भी कोई बताइए तो तरतालीस दिन घेहूँ एक मुट्ठी जरूर चढ़ा के शिवलिंग पे शिवलिंग पे।, पे हर हर महादेव हर 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 महादेव और जल चढ़ाएंगे तो उससे आपको सुख शांति समृद्धि जरूर मिलेगी और चीनी वाला दूध अगर आप चढ़ाते जाएंगे तो आपके हर चीज में वृद्धि होगी हर प्रोस्पेक्ट में आपकी वृद्धि होगी इसमें स्विच वर्ड बीच में ही रह गए थे हमारे अवश्य ही अश्विना जरूर बोलिए ये चढ़ाते हुए नहीं शिवलिंग पे नहीं अश्विना वर्ड बीमारी के लिए किसी भी जैसे बीमारी के लिए हमने नहीं बताया कुछ भी तो जैसे आपको कोई भी बीमारी है घुटने में दर्द हो रहा है कंधे में दर्द हो रहा है पेट में दर्द हो रहा है या आपको लंबी बीमारी कोई लग गई बुखार हो गया आप अश गोली खाते हुए अश्विना अश्विना करके खाइए अगले दिन बुखार उतर जाएगा अगले दिन बीमारी ठीक हो जाएगी मेरे पेट स्विचवर्ड्स हैं जो मैं रोज सुबह उठ के बोलता हूँ नहीं बोले, बोले मैंने बोल नहीं बोलने, बोलने कॉन्वेल एक्सा जरूर बोलता हूँ प्रोसो प्यारे जरूर बोलता हूँ दुरंत देव भाई बचाएंगे सबसे सारे कष्टों से और प्रभु भला करे अश्विना जरूर बोलता हूँ बीमारियों से दूर रखे हर बीमारी से दूर रखेंगे इम्पोर्टेंट है, है। जितने भी ये यूट्यूबर्स वगैरह हम लोग भी यूट्यूबर्स में आते हैं तो सोफिंकी सो फिंकी सोफिंकी बोलिए इससे आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी अब ये सोचने वाली बात नहीं है किसने बताया क्यों बताया लिए बताया आप बोलो ना भाई अब जैसे शिवलिंग है उसमें मैंने बता दिया आप दूध चढ़ाओ किसी और ने बता दिया तो शिवलिंग मेरा हो गया सही बात है सिंपल सा, सिंपल सर कोई गाना गा के बता रहा है कोई गाना, कोई, कोई पढ़ के बता उपाय है तो चली सा उसकी थोड़ी ना हो जाएगी। तो अब ये इसलिए मत सोचो दुनिया का भला करो जितना दुनिया को फ्री में दे से सकते तो हो दे के जाओ सबका फायदा हो और मैं बोलता हूँ क्या एस ए सी एस क्या है इसका मतलब एज का मतलब होता है सबसे बड़ा पत्ता ताश का अच्छा एज का मतलब होता है यू आर द नंबर वन आप एस 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 स्टूडेंट्स को बोलने के लिए बोलो उनमें भावना जगेगी मैं सबसे आगे पहुंचूंगा कंपटीशन नंबर मेरे बेटे को बताया था क्या था उसको बोलो मैंने बेटे को बोला बोल डेली गोल बोल गोल्ड मेडल लेके आया टाइकमांडो में बॉक्सिंग में क्या बात है गोल 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 लेके आया वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बोले इंसान ऐसे 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 देखो कैसे नहीं, नहीं होते मेरी डॉटर है उसको इसके पास 50 गोल्ड मेडल है और वो बोलती थी शुरू से स्टार्टिंग से ही स्विच वर्ड बोलती भी आ रही है वो अब तो कॉलेज में पहुंच गई है तो ये चीज है बहुत इफेक्टिव रिजल्ट इनके आते हैं और अगर आपको बीमारी बहुत ज्यादा लग रही है जो चढ़ाइए शिवलिंग पे शिवलिंग पे जो चढ़ाइए आपकी बीमारियां दूर होंगी अश्विना बोलिए बीमारियां दूर होंगी और आप... बच्चों का अगर जैसे लेवल अगर कम है ना बच्चों का अगर आपको लगता है बच्चे हमारे पढ़ते नहीं है तो वो चीनी वाला दूध चढ़ाए शिवलिंग पर अच्छा ठीक है चीनी डालकर दूध में और वो चढ़ाए शिवलिंग पर और जो है उससे बहुत बच्चों को इम्प्रूवमेंट होगी उनकी बिल्कुल अब एक उपाय बताऊ आज मैं आपको बता दू एक उपाय मैं बताता हूँ आज आपको मेरे मेरे को इनको अच्छा मालिक आपने तीन की कलिया लेनी है ठीक है ठीक है उसके बाद उस पे ना अपने शत्रु का नाम लिखना है तीनों लसन की कलियों में आजकल मोटे वाले लसन भी आ जाते हैं ठीक है जी उसमें सुई घुसा देनी है तीनों में लाइन वाइज तीनों में अलग अलग नहीं एक ही सुई को सुई देखो एक ही सुई को तीन लहसुन की कलियां मोटी वाली ले ली उसमें तीनों पे नाम लिख दो आप उसका एक ही बंदे का हाँ जी उसमें सुई घुसा दीजिए तीनों लसन की कलियों में घुस गई नाम भी लिखा हुआ एक कटोरी में नमक रखिए और उनको रख दीजिए फिर उसके बाद आपने मंत्र बोलना है मंत्र मैं आपको बताऊंगा जरूर वो जो कटोरी है आप वो जाके आपने किसी कांटेदार अगर पेड़ मिल जाए तो दी बेस्ट है नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए वैसे कांटेदार मिल जाए तो दी बेस्ट है आपका शत्रु खत्म वो आपको दे, आपकी तरफ देखना बंद कर देगा मतलब वो हट जाएगा या खत्म हो जाएगा फिर तो बड़ा सोच समझ के ये वाला उपाय करना है आपने जो आपका बहुत ही मतलब आपके आपके साथ अति कर देना शत्रु तभी कीजिएगा ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि मतलब हमारे मतलब ये तो कर्म जैसे अगर हमने किया उपाय उसका बुरा हो जाएगा तो कभी ना कभी जीवन में अगर हमने जानबूझ के किया होगा बेमतलब पे तो वो कष्ट हमें आएगा जरूर फिर इसके साथ कोई मंत्र भी आप कह रहे थे मंत्र तो देखिए ऐसा है ना सब पता चल जाएगा मंत्र का तो फिर सब लोग पब्लिक कर लेगी

खत्म अगर ज्यादा परेशान करेगा तो खत्म होगा फिर नहीं तो चुपचाप साइड हो जाएगा वो भूल जाएगा आपको थोड़े दिनों में में अपनी चीजों जाएगा वो ये ज्यादा इजी मेरे को लगता है ये चीज मैंने बड़े अच्छे अच्छे स्विच वर्ड दे रखे चार पांच स्विच वर्ड तो आप बोल के आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो मैंने बदली है आप भी बदल सकते हो एक बार ही ट्राई करके जरूर देखना और बहुत सिंपल चीज बताऊंगा आप जैसे आपका जो एक नंबर का लगन है आप क्या ऐसा करें जिससे आपकी जिंदगी मतलब आपको किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े जिंदगी में आपका एक नंबर है यानी मेष मेष लगन लगन है है आपका आपने कुछ नहीं करना हनुमान जी को पकड़ लेना पकड़ लेना मतलब तो। पूजा पूजा पकड़े पकड़े करना। पैर, पकड़ लेने। पैर पकड़ लेना पैर पकड़ लेना हनुमान जी ने आपको पकड़ लिया फिर आप क्या करोगे सही बात है ना तो अब आपका दो नंबर से लगन पतरी शुरू होती लगन है। व्रिशब लगन। व्रिशब लगन। इसमें आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा शुरू कर दीजिए और माँ लक्ष्मी का एक बहुत ही बढ़िया मंत्र है ओम नमा ओम नमा विष्णु प्रियाय ओम नमा शिव प्रियाय ओम नमा कामाक्षाए ठीक है हीम हीम श्रीम श्रीम स्वाहा ये जो है ना ये शाबर मंत्र में भी आता है अच्छा हाँ लेकिन आप ये बोलोगे तो मजा आ जाएगा और वृषभ लगन वाले नंदी जी को पकड़ लें नंदी भगवान नंदी जी को वो मैसेज पहुंचा देंगे सारा महादेव हा। जब हा, भी आपको पता तो आपको तो बोल के कोई बैल सांड मिल जाए रस्ते में उसको कुछ खिला दो कुछ भी दिख जाए जब भी ये वृषभ लगन वालों के लिए बड़ा जबरदस्त उपाय है क्योंकि वृषभ लगन ही बैल है तो आपने क्या करना है एक तो लक्ष्मी जी को जरूर क्योंकि शुक्र है एक तो लक्ष्मी जी और दूसरा नंदी जी को पकड़ लो या उनकी आराधना करना शुरू कर दो तीन नंबर मिथुन लगन बुद्ध पक्षियों को दाल डालिए मतलब ये मैं बड़े सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ अगर अगर मिथुन लगन वाले बुद्ध के लिए जो है ना अगर बत्तीस नाम दुर्गा माता के पढ़ लेना आनंदी तो की जिंदगी पलट जाती है वाह वाह दुर्गा माता के बत्तीस नाम पढ़ ले तो और चार नंबर कर्क लगन आप चंद्रमा को मतलब शिवलिंग को पकड़ लो जल भी चढ़ाओगे तो आ हा 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 वारे निरे माता के पैर छूना शुरू कर दो करक लगा जल और समस्या का बहुत बहुत मेरे मेरे मालिक मेरे प्रभु वाह वाह देखिए है नहीं ये सिंपल चीजें पांच नंबर वाला है वो सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दो मैं कहता हूँ कोई अड़चन आ जाए आप बोलो मुझे छह नंबर फिर वही बुध का आ गया वही पक्षियों को दाना डालो और दुर्गा माँ के बत्तीस नाम ले लो सहनी सिंपल नहीं है आप बताइए। बिल्कुल सिंपल है। सात नंबर फिर शुक्र आ गया लक्ष्मी माता को पकड़ लो और मेरे को आपका कोई भी मंत्र ऐसा नहीं लगा जो टाइम कंज्यूमिंग हो बिल्कुल जो नाइन टू नाइन वाले कर ना सके सही बात है आठ नंबर फिर मंगलदेव वृश्चिक लगन मंगलदेव को मंगल देव या तो मंगलनाथ चले जाइए मेष लगन वाले और विश्विक लगन वाले वहाँ जाना शुरू कर दीजिए साल में एक बारी या फिर यहाँ पे हनुमान जी का चरण पकड़ लीजिए मुश्किल है नौ नंबर वाले धनु धनु आ गए बृहस्पति देव की आराधना शुरू कर दीजिए मतलब बृहस्पति देव हमारे सूर्य देव सूर्य विष्णु जी है ना और या फिर साधु कोई बूढ़ा साधु है उसकी सेवा करना शुरू कर दीजिए धनु नहीं तो पीपल के पेड़ पे जल या पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए या कच्ची लस्सी चढ़ाना शुरू कर दीजिए दस नंबर शनिदेव शनिदेव जय शनिदेव जय श्री महाराज है ना ग्यारह नंबर भी शनिदेव ठीक है ना कितना सिंपल है बहुत सिंपल है बहुत ज्यादा सिंपल है और बारह नंबर फिर बृहस्पति आ गया तो वही पीपल की सेवा वृद्ध ब्राह्मण की सेवा क्या मुश्किल है आप बताइए और संजीव जी यहाँ पर ना शनिदेव के लिए तो मैं बहुत ही बढ़िया एक उपाय बताती हूँ शनिदेव जो है ना जीवन में मनी जो है ना वो शनि देता है बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई नहीं देता ज्यादा मनी छप्पर फाड़ के छप्पर फाड़ के तो दे, दे राहुल लेकिन जो सस्टेन रहेगी ना मनी जो इंसान कहता है ना जब वो ऐसा इंसान जो है ना जब वो कोई सामान लेने के लिए ले जा रहा है तो लेबल भी नहीं देख रहा वो देख भी नहीं रहा कितने की पैसे की कितनी क्या चीज आ रही है बस लेता जा रहा है लेता जा रहा है वो वाली मनी की बात कर रही करी वो देता है शनि ठीक है तो शनि और लॉन्ग टाइम तक रखती है उसके लिए ना इन्फिनेटी वॉक करना शुरू कर

आप तीन दिन तक करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे रास्ते कैसे खुल रहे हैं हो हो शनि का प्रकोप हो शनि को शुभ करना हो सब दूर वॉक वॉक बड़ी आपको याद है डॉग को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता था फिल्मों में दिखाते थे ऐसे एट बनाते थे ना दो पेड़ों के बीच में इंफिनिटी वॉक कुत्ता क्या है केतु केतु किसका चेला है शनि का शनि का शनि के इन्फिनिटी वॉक से है ना लॉजिक है हर चीज के भी लॉजिक है तो, तो और इसके इसका एक और जो उपाय आपने साक्षी जी बताया था खड़ाऊ वाला खड़ाऊ जो जिस जो होते हैं ना लकड़ी के खड़ाऊ जो है वो भी अगर आप पहनते हो ना तो शनिदेव आपके प्रसन्न हो जाते है शनिदेव ऐसे प्रसन्न होते हैं कि आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते और जिसका कोई काम ना बन रहा हो ना वो गुरुद्वारे जाना शुरू कर दे गुरुद्वारा अगर आपका देखो गुरुद्वारा जो है वैसे मंदिर जाएगा तो सेकंड हाउस है मंदिर आपका सेकंड हाउस है जहाँ पर पुस्तक रखी हुई है गुरुद्वारे में वो किताब है है ना और ऐसी जो मस्जिद है वहां पर भी किताब है उसकी पूजा हो रही है तो वो सारे हमारा हमारे घर है इलेवंथ इलेवंथ हाउस ही आपका लाभ है इलेवंथ हाउस आपका लाभ है तो आप गुरुद्वारे में जाकर वहां पर सफाई करके आ जाओ इसका मतलब आपने राहू को कंट्रोल कर लिया आपने और देखो आपने देखा ना सरदारों को कितनी सफाइया करते हैं कितना जूतों की पॉलिश करते हैं कितनी अच्छी वो है है ना कितना वो राइज भी कर रहे हैं आपने सरदारों को रिक्शा चलाते हुए देखा है बहुत कम है ना बहुत कम तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं ऐसे आप ग्यारहवें घर में अगर आप करना चाहते हो ना तो आप गुरुद्वारे जाओ वहां पर जाकर सेवा करो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा ऐसी जो मॉन्टन है वो मस्जिद चले जाए ठीक है वहां पर भी किताब है और बाकी हमारे जो हिंदू हैं वो फिर सेकंड हाउस को अपने एक्टिवेट करें सेकंड हाउस यानी कि नाइन्थ हाउस उनका धर्मस्थान और सेकंड हाउस आपका कोई घर के आसपास का मंदिर और जब भी किस्मत आपकी रुक जाए तो एक बारी कभी भी स्नान करके जरूर आना चाहिए गंगा। जैसे मेरे ये भी है। बहुत, बहुत, बहुत 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 कुछ नहीं करने की जरूरत आप नाइन्थ हाउस हिला दो ना नाइन्थ हाउस किसका होता है किस्मत का है ना जाके गंगा स्नान करके आ जाइये नौ डुबकी मारा ही है मैं कहता हूँ मजा आला आपका रुके हुए काम ना चल पड़े देखना आप। इतना छोटा सा उपाय है चमत्कार है, इसमें। मारनी है आ, क्योंकि नौवा आपका का होता जितनी है। मर्जी देर नौ डुबकी मार के आ जाइए आप नाइन्थ हाउस हिलते ही ओए, 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 ओए। मजा आ जाएगा देखना किस्मत जब हिलेगी ना तो अपने आप निकाल निकाल के देगी आपको क्या पड़ा हुआ बढ़िया जो कहते ना मिलता नहीं है मिलता नहीं है मिलेगा मिलेगा ये है तो मैम जैसे अभी आप बता रहे हो कोर्ट केस के लिए या फिर थर्ड पार्टी में आजकल ये भी बहुत चल रहा है एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर ये ऐसा कुछ थर्ड पार्टी के लिए देखो क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर जब हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो क्या कहते हैं कि एक स्विचवर्ड है डिटैच कट ये आपको पूरा लाइन से बोलना है डिटैच कट स्नीज पर्ज शेड एक्सटेंड डिटैच कट स्नीज पर्ज

चंद्रमा आपका शनि राहु केतु के साथ में बैठेगा तो किसी को भी पैसा देना बंद कर दीजिए ओके। okay. अगर आपकी कुंडली में देख लो शनि अगर आपका चंद्रमा आपका राहु केतु शनि के साथ में बैठा हुआ है तो पैसा आपने दिया तो वो नहीं आएगा हुँ. या आपकी पत्रिका में केंद्रुम दोष है आपका ही नीच का बैठा हुआ है छठे आठवें में बैठा हुआ है तो पैसा दिया तो वो वापस नहीं बताया नहीं तो है टेक्सल मलिजमा जो है और कोर्ट केस के लिए अर्मेंटिकोस बहुत अच्छा अर्मेंटिकोस अर्मेन्टिकोस अर्मेंटिकोस अर्मेंटिकोस ये बहुत बढ़िया काम करता है या बोली और कोर्ट केस में जाते समय लाल

ये स्विच वर्ड है इस बाकी देखो एक्सरसाइज तो करनी करनी है अपने काम तो करने करने हैं ये नहीं की कोर्ट केस में बैठे रहो घर पे और सोच तो आज हाँ। हो गया स्विच वर्ड बोल दूंगा कर्म करना कर्म करो कर्म प्रधान बनोगे तो शनि आपको मालो माल वैसे ही कर देगा क्या बात है अगर आपने कर्म करने पर विश्वास कर लिया क्योंकि कर्म जो है ना ये सब चीजें आपकी जो है ना ये सब चीजें आपके सपोर्टिंग सिस्टम है सप्लीमेंट्री है हाँ ये सपोर्टिंग सिस्टम है जैसे आप आपने बॉडी बन जाती ना ऐसी

सर और मैम के सारे कॉन्टेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जरूर और हमारी क्लासेस भी चल रही है हाँ, हाँ। हाँ, क्लासेस जो है वो स्विचवर्ड की और न्यूमोलॉजी की और साथ में वास्तुलॉजी की क्लास सिखाते भी हो हाँ, और एस्ट्रोलॉजी की तो ये हमारी क्लासेस जो है वो चल रही है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में आई होप ये पॉडकास्ट हर एक बंदा उस बिंदे तक जरूर शेयर करना जिसको लगता हो आप किसी का भला करना चाहते हो अपने दोस्त फैमिली भाई बहन मम्मी पापा मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार राधे राधे